मेहनत उससे ऊपर होती है। हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या जैसी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम उससे कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसमें मेहनत करना सबसे जरूरी है। हमारी कोशिश गलती इन सभी चीजों से ऊपर आती है, हमारी मेहनत। मेहनत के बाद जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने पिछले एपिसोड में ही पढ़ लिया, वो है रिस्क। और आपको पता है मैं यहाँ किस रिस्क की बात कर रही हूँ? हमें मुश्किल काम करने से पहले अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए। हमारा दिमाग हमें आगे ले जाता है और हमारा दिल हमें सभी चीजों से जोड़े रखता है। लेकिन इन सबके बाद जो सीढ़ी है वो सबसे जरूरी है, वो है फेलियर यानी हारना। ऑथर ने किताब में बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि हारना सबसे आखिरी प्रोसेस है। हार से हम सीखते हैं और सीखने से ही हम सफल होते हैं। अपनी हार से ही हम मजबूत बनते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं। कभी कभी हमें हारना जीतने से ज्यादा सिखाता है। मैंने यहाँ पर हारने की बात की है, हार मानने की बात नहीं। हमने सबसे पहले ही पढ़ा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान लिया कि आप जीत चुके हैं तो हारने के बाद भी आप जीतते हैं। और कई बार कई लोग जीतने के बाद भी हार जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी में एक बर्फ तोड़ने वाला जहाज बनना है। आपने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज देखे होंगे जो ठंड के दिनों में बर्फ को तोड़ते हैं। एंटार्क्टिका जैसे क्षेत्रों में हमें भी उसी जहाज की तरह बनना है कि जैसे ही हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में कोई भी मुश्किल वाला पहाड़ आए, हम उस जहाज से उसे चकनाचूर कर दे। आज के एपिसोड में आपको बस यही बताना था कि कोशिश करना, गलती करना, भूल जाना, मेहनत करना और हार जाना, ये सभी जीतने का हिस्सा है। इनसे होकर और गुजर कर ही हम जीत सकते हैं। लेकिन जीत अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है हमारे अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने की। जिस तरह धागा हर एक मोती को उसकी अपनी एक अलग अलग जगह देता है, उसे एक साथ पिरो कर रखता है, उसी तरह कोशिश करने से लेकर सफलता पाने तक के मोती को हमारा लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बांध कर रखती है, उन्हें जोड़ कर रखती है, उन्हें पिरो कर रखती है। हमें सबसे पहले तो इस बात को गौर करने और मानने की जरूरत है कि हम शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं। हमें अपनी जिंदगी में हर एक काम को 100% नहीं करना है, हमें पूरी दुनिया नहीं जीतनी है। हमें अपने अंदर एक लचीलापन लाना ही होगा, एक ऐसा लचीलापन जो हमें संतोष देता हो, सैटिस्फैक्शन। ऑथर बताते हैं कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी कभी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता। अगर आपके पास एक साइकिल है तो आपको एक बाइक चाहिए होगी, अगर आपके पास एक बाइक है तो आपको कार चाहिए होगी, अगर आपके पास कार है तो आपको उससे भी ज्यादा अच्छी कार चाहिए होगी, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको 1000 रुपए चाहिए होंगे। यानी कि इन सभी चीजों का कोई अंत नहीं, लेकिन हमारे अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें रोकने का काम करती है। हमारे अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी हमें बताती है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हम उतनी मेहनत कर रहे हैं। भले ही हम एक पहाड़ तोड़ने वाला जहाज ना बने, मगर हम एक जहाज जरूर बन सकते हैं जो हमें समंदर की लहरों से बचा सकता है। भले ही हम अपने काम में सलमान खान नहीं बन सकते, मगर हम राहुल और पूजा ही ठीक है। अपने आप को सैटिस्फाई करना, चीजों को बड़े नजरिए से देखना मगर अपने नजरियों को ना भूलना, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस तरह से एक रबर दाएं बाएं घूम जाती है बिना टूटे हुए, उसी तरह हमें भी एक रबर बनना चाहिए जो सिचुएशन आने पर किसी भी आकार में ढल जाए और टूटे भी ना। यकीन मानिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको हर जगह काम देगी। ये आपको भीड़ से अलग करेगी। जब आप हारने लगेंगे या जब आप खुद को छोटा महसूस करेंगे, तभी यही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पीठ थपथपाएगी और आपको कहेगी वेल डन। यानी कि हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स पर डिस्कस किया है, कोशिश करने से लेकर सक्सेस पाने तक की, उस हर एक पॉइंट के साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ते जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी एक बूस्टर डोज की तरह काम करती है, आपको हर एक माहौल में ढालती है।
फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके काम से प्यार करना सिखाती है। आप चाहे अपने क्लास में टॉपर ना हो, पर यहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आप सबसे अच्छे एम्प्लॉय ना हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी का कीड़ा होगा तो वो आपको खुशी देगा। आपको ये बताएगा कि आप अगर पूरी मेहनत कर रहे हैं तो हाँ, आप टॉपर हैं, आप सबसे अच्छे हैं। गलत खोर मत बनो। बचपन में हमारी सोच एक नदी की तरह होती है जो सामने से ठहरा हुआ नजर आता है, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उसी नदी पर एक पुल बन जाते हैं और